और आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी वो लोग इजीली सॉल्व कर देंगे मेरी। कैसी लगी? एक नंबर। और ये अपना ऑफ रोडिंग वाला सीन है, ये पूरा पैच ऑफ रोडिंग है। आय हाय। Ladies and gentlemen, boys and girls, this is your Jigri Zero Degree. Welcome to my YouTube channel Zero Degree Vlogs. पिछला वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने जो हेलमेट यूज किया था वो मैं पहले बताता हूँ, बाद में आगे की बातें करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा कि भैया कौन सा मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज करो, तो ये हेलमेट है आई थिंक होंडा का था, मैंने कहीं से अरेंज किया था। बिकॉज वो जो हेलमेट है मेरा वो 2500 रुपीज का हेलमेट है, और 2500 रुपीज के हेलमेट को मैं गंदा नहीं करना चाहता था। इसमें मैंने एमसील का एक्सपेरिमेंट किया है के साथ साथ मैंने कलर का भी एक्सपेरिमेंट किया। ये ब्लैक कलर था, पहचान में आ रहा है? ये ब्लैक था, मैंने इसको रेड किया है और ये आज ही आया। अगर ये आज नहीं आता, अगर ये कल आ जाता ना, तो ब्लॉग कल आ जाता, लेकिन इसके चक्कर में ब्लॉग लेट हो गया क्योंकि आज मोटो ब्लॉग भी करना है मुझे थोड़ा सा। बाकी इस पे और भी एक्सपेरिमेंट होंगे, तो वो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। और हाँ, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, और हाँ आशीर्वाद लेते रहो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में मेहनत काम नहीं आती लेकिन आशीर्वाद काम आ जाता है। फिर भी बहुत से लोगों के मन के अंदर ये सवाल होगा कि मैंने यही हेलमेट क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैं बता दूं भाई कि जब आप एमसील को लगाते हो ना हेलमेट के ऊपर, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर एक बार आपने लगा दिया तो उसके बाद वो हेलमेट को डैमेज करके ही निकलेगा। तो इसलिए मैंने एक ऐसे हेलमेट पे एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इसका कुछ हो भी जाता, अगर ये बिगड़ भी जाता, तो मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं होता। लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मतलब बढ़िया, सब खुश है, मतलब अपनी रेड ईगल है। हेलमेट का रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टाइल जरूरी है। आज ईगल को ऐसे नहलाया ना, मतलब कि नहलाया तो क्या नहलाया, रगड़ दिया पूरा ऐसे शैम्पू। थैंक्स टू माय कजिन, उसने किया है। बड़ी गाइड क्यों, ये दिक्कत है कि इनको पीछे लेने में बहुत दिक्कत आती है। इग्निशन ऑन, जय माता दी। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपका मोटो व्लॉगर जीरो डिग्री मनासा के अंदर। और अभी क्या है ना कि टाइम हो चुका है जो दुकान वगैरह की, जो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसका टाइम हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने चाचा की शॉप पे, और चाचा की शॉप पे जाने के बाद में वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आरती। और उसके बाद प्लान यही है कि हम लोग फार्म पे भी जाएंगे, क्योंकि हमारा फैमिली का हर साल का रहता है कि हम लोग फार्म पे भी पूजा करते हैं, और गणेश भगवान की हम लोग हर फेस्टिवल पे मोस्टली जब जब हमसे बनता है तब तब हम वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करते हैं। और ये ईगल आज नहाई है और आज बहुत क्वीन लग रही है। मैं बाद में नहाया हूँ और ईगल को पहले नहलाया हमने। और मेरे घर से मेरे चाचा की शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में ही है। ये SBI बैंक, और ये रोड जो जा रहा है वो रामपुरा गांधी सागर की तरफ जाता है। गांधी सागर वाला व्लॉग भी दिखा होगा आपने। ऑलराइट, तो ये ऐसे यहाँ पे वाहन खड़े करते हैं, JCB की पूजा हो रही है यहाँ पे। वाह, ओहो, तो ये अपने चाचा की शॉप है और श्री कृष्णा रेस्टोरेंट। अभी ईगल को संभालना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये जो रोड है वो आ रहा है मंदसौर साइड से, और ये इधर जाता है रामपुरा गांधी सागर तक। और गांधी सागर से आप इधर से राजस्थान में भी एंटर कर सकते हो कोटा। अगर कभी टूर हुआ तो ही इस वाले रोड से हम लोग राइड करेंगे, वरना नहीं। लेकिन अभी पूजा अर्चना की तरफ आ जाते हैं। JCB की खुदाई। कैसी लगी? एक नंबर। ऑलराइट, सो अभी दुकान की पूजा ख़त्म करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे। फार्म कह लो या फार्म हाउस कह लो, बिकॉज घर तो नहीं है अभी वहाँ पे। और कोशिश यही रहेगी कि पूरा जो वहाँ का जो सिनेरियो है वो मैं रिकॉर्ड करके बता सकूं। आज से दो दिन पहले मैं वहाँ पे गया था, लेकिन मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी ही डाली थी वहाँ पे। उस समय मैं व्लॉगिंग के मूड में नहीं था, और मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं व्लॉगिंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ तो मैं उस समय व्लॉग नहीं करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि काम करूँगा तो अच्छा करूँगा, वरना बिल्कुल नहीं करूँगा। एक तो क्या यहाँ से बचा के निकालनी पड़ेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, पुनः पधारे नगर परिषद मनासा। वाह, ये जो रोड आप लोग देख रहे हो ना,
पहले एक ज़माना था, एक ज़माना मतलब कि 2007 या फिर 2006 की बात है, जब मैं यहाँ पे गाय भैंसे चराया करता था। मतलब आप सोच रहे हो गाय भैंसे, जैसे कि आज ये सिनेरियो आप देख रहे हो, इसी सिनेरियो का मैं भी एक समय पे पार्ट हुआ करता था। जैसे कि ये जो खेत था ये पहले बहुत ज़्यादा खाली था और इधर भी बहुत ज़्यादा खाली था, लेकिन अभी अभी भरा भरा सा फील हो रहा है, बिकॉज 10 से 12 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। तो अभी चीज़ें बहुत सी बदल गई है, ये रोड भी बदल गई है, पहले सिंगल रोड था। अभी जब नीमच और मनासा के बीच में जब सीमेंटेड रोड बना था तो उसी के बाद ये वाला रोड बना है। और ये रोड पहले भी मैंने बताया है कि ये चंबल तरफ जाता है, कोटा भी आप लोग इस रोड से जा सकते हैं, और रामपुर आता है जो कि डूब गया था। पिछले साल की बात है, पिछले साल बारिश के मौसम में रामपुरा में बहुत ख़तरनाक बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत सारे जानवर ऐसे कूटे पे बंधे के बंधे ही रह गए थे और बह गए पानी के साथ। पता नहीं बह गए या फिर वहीं पे दब गए, क्या सिनेरियो है मैं बता भी नहीं सकता। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था वो। और ये रोड जा रहा है रामपुरा और ये किसी गाँव जाता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 1 किलोमीटर ही है हमारा फार्म। ईगल में दिवाली के दिन मेरे को एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट मुझे दिया चूहों ने। चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है मेरे मनासा वाले घर में कि गाड़ी के अंदर घुसकर उन्होंने एक वायर को कट कर दिया है, और वो वायर है बैकलाइट की आई थिंक, क्योंकि जो ये वाला जो ब्रेक लगाता हूँ मैं हैंड ब्रेक, तो इसमें जो है बैकलाइट जल रही है, लेकिन जब मैं ये अपना फुट वाला ब्रेक लगाता हूँ तो उसमें बैकलाइट नहीं जल रही है। और ये अपना ऑफ रोडिंग वाला सीन है, ये पूरा पैच ऑफ रोडिंग है। आय हाय क्या सस्पेंशन है, ओए होए होए होए। और ये रहा अपना फार्म हाउस, फार्म खेलो हाउस खेलो और जो कहना है खेलो। ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। ओह माय गॉड। ऑलराइट, सो ये वही पेड़ है जिसके आम मैंने बहुत खाए बचपन में, और इस पे पूरा मैंने पूरा ऊपर तक चढ़ रखा है मैंने बचपन में, जब हम लोग यहाँ पे आया करते थे अपनी मम्मी वगैरह के साथ, दादी वगैरह के साथ। मेरे दादा ने बहुत काम किया इस खेत में लिटरली, और अब उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ पे मेहनत कर पाए, तो इसीलिए मेरे चाचा पूरे संभालते हैं, और वो मेरे फादर भी कभी कभी छुट्टी आते हैं तो कर लेते हैं। वो मेरे फादर अभी कर रहे हैं, अभी बाइक धो रहे थे लेकिन शायद कैमरा देख के चले गए, बिकॉज वो कंफर्टेबल फील नहीं करते ज़्यादा कैमरे के सामने। बाकी मैं इसके अंदर कूद कूद के भी नहाया हूँ बहुत, मेरे को तैरना आता है। हाँ, तो ईगल में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था कि एक चूहों ने क्या किया ना कि यार यहाँ पे यहाँ से नीचे से घुसे हैं वो लोग यहाँ से, और यहाँ से घुसने के बाद में उन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा है सीट के नीचे। और मेरी शोरूम में भी बात हुई है, मैंने शोरूम पे इन्फॉर्म कर दिया है कि मेरे साथ ये हिट हुई है, और उन्होंने बोला है कि आप लेके आ जाना बाइक, हम लोग कर देंगे। तो इतने कोऑपरेटिव है हीरो वाले, और सच में जो नीमच का जो हीरो शोरूम है वहाँ से मुझे बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, और आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी वो लोग इजीली सॉल्व कर देंगे मेरी। मेरे चाचा ने बोला कि यार चूहा अंदर घुसा है, तो मैं समझ गया मैंने कहा कहाँ जाएगा, जगह यहीं है, सीट के नीचे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने जैसे ही चाबी खोली तो चूहा यहाँ पर बैठा था और यहाँ पर बैठकर इसको खा रहा था। तो ये जो वायर है उसने एक वायर कट कर दी है, आई होप कि शोरूम से सब कुछ सही हो जाएगा। चार्जिंग मैंने यूज करके देखा, चार्जिंग काफी अच्छा हो रहा है। फोन से ना मोटो व्लॉग करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वो है कि जब आप मोटो व्लॉग करते हो ना तब आपका फोन आपके पास नहीं होता है, और अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो वो कॉल आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आपने अगर अपना फोन लगा रखा है तो आपको उसको एयरप्लेन मोड पर डालना पड़ेगा, वरना आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपन एडजस्ट करेगा, बिकॉज क्या है ना कि अपनी लिमिट को पुश करो, लिमिट को पुश करोगे रिजल्ट अच्छा मिले हमेशा। ये पेड़ लिटरली मुझे पता नहीं किस चीज़ का, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए हमें कि ये पेड़ किस चीज़ का है। पेड़ नहीं है वो, पौधा है। तो इसकी पूजा हम लोग हर त्यौहार जब जब हमसे बनता है तब तब हम करते हैं, और ये करना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो ज़मीन है ये आपको खाने को दे रही है, यही आपको अन्न जो होता है ना, अन्न को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे यहाँ, अन्न दे रही है, तो यहाँ की पूजा करना भी बनता है, क्योंकि त्यौहार अगर आपका है तो इस ज़मीन के लिए भी त्यौहार है। अभी मेरे अंकल जी ने बताया, अंकल जी वर्ड सुन के थोड़ा ऑड फील मत करना, क्योंकि हमारे एमपी में क्या सीन है ना कि चाचा बहुत कम बोला जाता है, हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में बहुत कम बोलते हैं लोग चाचा, हमारे यहाँ अंकल जी ही लोग प्रीफर करते हैं। वो यहाँ पर है कहीं पे, इतना अच्छा लगता ना जब भी पानी ऐसे जाता है। हाय हाय, अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। ये रही, ये रही, ये रही।
लेकिन खा गए कुछ। मिल गई लेकिन ये शायद डैमेज कर दिए किसी ने, बट है तो यही ये। ये सांप की है वो। मेरे चाचा वहाँ पे पूजा करने गए और ये ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पूजा। मेरा दिवाली लुक, मतलब कि इस ड्रेस का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा और लिटरली बता रहा हूँ ये मैंने लास्ट टाइम पे ऑर्डर की है, ऑनलाइन खरीदी है फ्लिपकार्ट से, तो आई एम सैटिस्फाइड। क्योंकि मेरा इस बार, हर बार क्या होता था कि मैं दिवाली पे एथनिक पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा कि नहीं यार, इस दिवाली अपन एथनिक ही पहनेंगे। आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया, बस एक ही प्रॉब्लम जो आई है वो मेरी ईगल के अंदर आई है कि वो जो है उन्होंने मेरा तार कट कर दिया। एक कहते ना कि प्रोडक्टिव दिन था, तो कभी कभी जिंदगी में जब प्रोडक्टिव दिन जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे खुशी मिलती है कि नहीं यार जिंदगी में हम कुछ कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी मेरी फैमिली वाले सारे रेडी हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दिवाली है मैं अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये शूट करने में लग रहा हूँ। तो मैं शूट बीच में नहीं लाना चाहता, बिकॉज ये फैमिली का त्यौहार है और मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। बस आप सभी का असली प्यार अगर मेरे ऊपर बना रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आपको हासिल करके ज़रूर दिखाऊंगा, और बस ऐसे ही भरोसा रखिए मेरे ऊपर, बस ऐसे ही एक हिम्मत बनाए रखिए मेरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक कर देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बिल्कुल, तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फुल बैटरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बूम।